गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। इट्स 9 इन द मॉर्निंग और 10:30 की हमारी ट्रेन है। तो यहाँ से वाराणसी जंक्शन इट्स 3 किलोमीटर्स अवे। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुँचनी चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं हम आगे। तो गाइस अभी हम इस इलेक्ट्रिक रिक्शा में वाराणसी जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 10-15 मिनट लगने चाहिए हमको, 15 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 3 किलोमीटर है। तो फिर हम आपको सीधा स्टेशन पर मिलते हैं। काफी खूबसूरत है बिल्डिंग इसकी। हेलो भैया, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस हम लोग ऑलरेडी वाराणसी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं एंड वी आर ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहीं से हमारी ट्रेन निकलने वाली है फॉर मुंबई, विच इज जयनगर, LTT जयनगर एक्सप्रेस। तो द ट्रेन इज एट 10:35 और अभी बज रहे हैं 9:46, तो पौना घंटा बाकी है। तो अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं ट्रेन की। तो गाइस अभी हम ट्रेन में चढ़ गए और 10:35 को ट्रेन यहाँ से निकल रही है। सो ऑल सेट फॉर द जर्नी। गाइस ये ट्रेन कल दोपहर से 12:30 बजे LTT स्टेशन पहुँचेगी, लेकिन हम थाने में उतरने वाले हैं जो करीब 12 बजे करीब आना चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। गाइस गाड़ी चल चुकी है, ये आपके आखिरी दर्शन है वाराणसी के। पता नहीं अभी अब हम अगली बार कभी आएंगे बनारस, लेकिन हमने ये जो कैप्चर किया है वीडियो में, ये हमेशा याद में रहेगा, कभी भी याद आएगी बनारस की, हम इसे देखते रहेंगे। अगर मैं स्टेशन के बारे में बताऊं तो काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है, कचरा वगैरह कुछ नहीं है। इवन जो एंट्री थी वो भी काफ़ी सुलझी हुई थी, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। एस्केलेटर्स है, वीडियो थोड़ा ब्लर रहेगा क्योंकि आईने पे काफ़ी धूल जम गई है। अभी हम हैं प्रयागराज स्टेशन पे, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अंदर काफ़ी चिलिंग था, ट्रेन का एसी बहुत तेज़ है, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर आता हूँ, थोड़ी गर्मी ले लेता हूँ।
और पोस्ट कोविड पहले ब्लैंकेट जो देते थे ट्रेन में, अभी ब्लैंकेट्स और तकिए वो देते नहीं हैं कोविड के बाद से, तो वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो हम तो ऐसे ही आए थे बिना कोई चादर वगैरह लिए, अभी देखते हैं रात कैसे काटनी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही देंगे। यहाँ पे स्टेशन काफ़ी साफ है, मतलब साफ सुथरे स्टेशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सतना स्टेशन, सो शाम के 5:15 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं सतना स्टेशन। यहाँ पे 3 से 4 मिनट गाड़ी रुकेगी और फिर यहाँ से निकलेगी। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर जंक्शन, तो अभी ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी 10-15 मिनट में, तो चलो फिर हम आगे मिलते हैं आपसे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और आज हमारी ट्रेन जर्नी का day 2 है और हम ऑलरेडी महाराष्ट्र क्रॉस कर चुके हैं रात को। सुबह के अभी बज रहे हैं 6 और करीबन 12:30 विल बी रीचिंग कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस। अभी हम अगले स्टेशन पे जब ये गाड़ी रुकेगी हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। गाइस सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मनमाड़ क्रॉस किया, तो अभी हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट करने का, तो जस्ट वेटिंग फॉर दिस गाइड टू गेट द ब्रेकफास्ट। मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेन में सुबह को आपको ऑमलेट ब्रेड मिलेगा या तो फिर कटलेट ब्रेड मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे एंड अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेंगे। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लासलगांव। अगर आपको मालूम है लासलगांव ये प्याज की सबसे बड़ी मंडी है इंडिया की, यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, तो ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा देर तो रुकने वाली नहीं है, तो मैंने सोचा अगर ये स्टेशन आया है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये सामने बोर्ड है लासलगांव का। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नासिक रोड स्टेशन, मतलब ऑलमोस्ट मुंबई। नासिक इज़ लाइक फुटस्टेप मुंबई का, तो और 2 घंटे में हम लोग मुंबई पहुंचने चाहिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इगतपुरी, अभी घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इगतपुरी में, आपने देखा रहेगा मेरे कितने सारे वीडियोस में इगतपुरी, मैं कितने बार आता हूँ इगतपुरी, लेकिन हम पहली बार ट्रेन से आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलो अभी यहाँ से अभी निकलते हैं क्योंकि ट्रेन थोड़ी देर में निकल जाएगी। तो गाइस हम लोग मुंबई पहुँच चुके हैं एट द लोकमान्य तिलक टर्मिनस, और होपफुली ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।